हेलो बच्चों, लास्ट हमने हिंदी फेयर बुक में पार्ट 10 उसमें प्रश्न 1 शब्दार्थ तक लिखा था। आज हम लिखेंगे प्रश्न 2 खाली स्थान भरो। तो हेडिंग डालना है प्रश्न 2 खाली स्थान भरो। उसमें नंबर 1, बच्चों की खाली जगह है। खाली जगह में आंसर आएगा छुट्टी, बच्चों की छुट्टी है। नंबर 2, माँ ने खाने की खाली जगह लगाई। खाली जगह में आंसर आएगा टोकरी। नंबर 3, समुद्र तट पर बहुत खाली जगह थी। खाली जगह में आंसर आएगा भीड़। नंबर 4, तट पर सबने खाली जगह के टीले बनाए। खाली जगह में आंसर आएगा रेत। उसके बाद हेडिंग डालना है प्रश्न 3, किससे कहा। इसमें नंबर 1, अपने मित्रों को भी बुला लो। उत्तर आएगा यह चाचा जी ने रीचा और प्रज्ञ से कहा। नंबर 2, मैं अभी मित्रों को फोन करता हूँ। उत्तर यह प्रज्ञ ने चाचा जी से कहा। नंबर 3, तुम लोग तैयार हो जाओ। उत्तर यह माने प्रज्ञो और रीचा से कहा। हेडिंग डालना है प्रश्न 4, उत्तर लिखो।
नंबर वन, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए? उत्तर आएगा बच्चे पिकनिक मनाने समुद्र तट पर गए। नंबर टू, माने खाने के लिए क्या क्या रखा? उत्तर आएगा माँ ने खाने के लिए सैंडविच संतरे कटलेट और अमरूद रखे। नंबर थ्री, रिचा और श्रुति ने समुद्र तट से क्या खट्टा किया? उत्तर आएगा रिचा और श्रुति ने समुद्र तट से सीपियां और संग इकट्ठे किए। नंबर फोर, छिलके और कागज की प्लेटें कहाँ डालनी चाहिए? उत्तर आएगा छिलके और कागज की प्लेटें
कूड़ेदान में डालनी चाहिए। इस तरह बच्चों आपको हिंदी फेयर बुक में लिखना है। थैंक यू।